गुड़िया कह रही है कि मैं आपके लिए मर गई हूँ। गुड़िया ऐसे मत कह भैया प्लीज। अपनी बहन को कौन ऐसे पीटता है? उल्टा मारा है मुझे, 3 दिन तक रोटी भी नहीं दी। छोटी गुड़िया के पैर छुड़ो, आपके पैर पकड़ो, आप मुझे ऐसे मत करो। हम दोनों ने अब शादी कर ली है, अब आप जाइए। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होप हो गए सारे बढ़िया। और भाई आज हमारे साथ यहाँ पे राजीव भैया हैं, और ये यहाँ पे क्यों आए हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये ना अभी मतलब इनको, इन्होंने सारी आस छोड़ रखी है, और 5-7 दिन से ये मेरे को लगातार मैसेज पे मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जगह जगह पे जाके पूछ रहे थे, फ़ोटो दिखा के कि भाई आप इनको जानते हो, मुझे इनके साथ मिलना है। तो यहाँ वहाँ से मुझे पता लगा, फिर मैंने इनकी इंस्टाग्राम पे जो मैसेज आ रहे थे वो मैंने पढ़े, फिर देखा फेसबुक पे इनके मैसेज थे वो पढ़े। भाई इस टाइम पे अकेले हैं, मतलब इनके पास इतना पैसा है, इनके प्रॉपर्टी इतनी सारी है, हर चीज़ है इनके पास। नहीं होता जो हमारी तमन्नाएँ होती है ना भाई, पैसा हो हम घर बनवाएंगे, पैसा हो हम गाड़ी लेंगे, पैसा हो हम फ़ोन लेंगे, सब चीज़ों की तमन्नाएं होती हैं जो कि हमारी पूरी नहीं होती, लेकिन इनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन आज फिर भी ऐसे हैं कि इनको लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। क्योंकि भाई इनकी एक ही बहन थी जो इनका मतलब घर छोड़ के यहाँ से चली गई है, इनका मतलब भी घर छोड़ के चली गई है, और बाकी उसने शादी करी है किसी और के साथ, और ना तो इनके माँ बाप हैं, और इनकी जो शादी हुई थी वो भी डिवोर्स हो गया था इनका, मतलब 2-3 महीने में ही शादी के बाद। तो तब से बस ये पैसा कमा रहे थे, तो बहन के साथ रह रहे थे, अब वो बहन भी चली गई। अब बहन गई क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। बहन ने इनको बहुत बार ये समझाया कि भैया मुझे अपनी मर्ज़ी के साथ शादी करनी है, मेरे को जिसके साथ शादी करनी है उस लड़के के साथ मैं आपको मिलवाती हूँ, आप मिलो उस लड़के को, देखो वो लड़का कैसा है, क्या है ऐसा है। बट इनको ना एक ही वो था कि मेरे को ना किसी गरीब लड़के के साथ शादी नहीं करवानी अपनी बहन की। और लड़के के भाई ना माँ है ना बाप है, कोई नहीं है, लड़का खुद है, जॉब करता है, जिस ऑफिस में काम करती थी लड़की और वो दोनों वहीं पे आपस में मिले थे, और वहीं से उनका मतलब लव स्टार्ट हुआ था। तो बहुत बार ही समझाया आपको आपकी बहन ने कि शादी करनी है या करनी है। उसने भैया मान जाओ, भैया मान जाओ, मैं उसे 3-3 दिन बंद करके मारता था। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करने दूँगा तुझे शादी उससे। अब वो ऐसी नाराज़ होगी, कोर्ट मैरिज कर ली, फ़ोटो भेज दी मुझे, ना मुझसे बात करती ना मिलती, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ पागलों की तरह। एक बार मिलवा दो भाई, एक बार उससे एक बार मिलवा दो, मुझे एक बार माफ़ी मांगने दो। मेरे पास इतना घर है, इतना पैसा है, कैसे ना लड़के के माँ बाप ना कुछ कैसे मानता मैं, इसलिए मैंने शादी नहीं होने दी। अब उन्होंने कर ली है, मुझे माफ़ करें, मुझसे बात करें एक बार, क्योंकि मेरे पास सब कुछ होने के पास भी मैं अकेला हूँ, घर में जाता हूँ ना कोई बच्चा ना कोई वो। एक बहन थी उसे भी प्यार से नहीं रख पाया मैं बहुत दुखी हूँ। एक बार मिलवा दो, मुझसे बात करवा दो, उसकी गलती हो गई मुझसे, ना माँ बाप मेरे, मुझे लग रहा है मैंने गलती की है जो उसकी बात। अब आप ही बताओ ना, मैं कैसे शादी करवा देता? लड़का नौकरी करता है, कल नौकरी चली जाए मेरी बहन क्या करती? एक बहन है, इसलिए मैंने मना कर दिया। इसमें गलती क्या है, मैंने कहाँ गलती की है, आप ये बता दो। एक बार मुझे मिलवा दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपने दो प्यार करने वालों को ज़्यादा टाइम अलग रखा है। हो सकता है आप ये दिन देखने से आपकी बहन आपका घर छोड़ के बाग के शादी कर रही है, तो हो सकता है अगर आप उसके साथ पहले मिलते, लड़के के साथ मिलते, लड़के को आप अपने किसी काम पे रखते, आपकी आंखों के सामने होता, उसके बाद आप शादी करवाते। लड़के की ना तो ये पता, जात पता, ना कुछ पता, मैं कैसे शादी करवा देता? ना उसके माँ बाप का पता, ना कुछ परिवार का पता। तो लड़की की लड़की के पास कोई कमी हो, मेरी बहन, मेरे पास पैसा है, मेरी बहन अच्छी है, मैं ऐसे ही किसी लड़के को दे देता, इसलिए मैंने गलती की है। अब मुझे लग रहा है कि अब आप इतने दिनों से मुझे मैसेज कर रहे हो कि मुझे अपनी बहन के साथ मिलना है। भाई इनका ना मैसेज आपको बताया बहुत सारे दिनों से आ रहे थे, फिर उन्होंने अपनी बहन का मतलब नाम वगैरह बताया, तो मैंने उनकी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह ढूंढी बहुत मुश्किल से, तो उनकी इंस्टाग्राम आईडी मिली, मैंने उनको मैसेज करा परसों, तो मैंने उनको बधाई दी कि भाई आपकी शादी हुई है, और उन्होंने कहा भाई आपको कैसे पता, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई आपके भैया ने ऐसे ऐसे मेरी बात करी है, फिर धीरे धीरे उनसे बात होने लगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने आपकी 1-2 बारी वीडियोज़ देखी है, आपने हमें मैसेज क्यों किया है, हमें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। मैंने कहा मदद आपको नहीं चाहिए, आपके भैया को मदद चाहिए, वो आपसे एक बारी मिलना चाहते हैं। तो कह रहे भैया कौन, भैया तो हमारे लिए मर गए।
उन्होंने तो ये बोला मेरा भैया तो मेरे लिए है ही नहीं, मेरा भैया मेरे लिए मर गया। मैं उससे माफी मांग लूंगा। मैंने उसको बहुत बारी समझाया कि अपने मतलब अपने भाई को, वो भाई सिर्फ तेरी बात नहीं माना, तेरी शादी नहीं करवाई, ऐसे क्यों कह रही है कि वो मर गया। कह रही मैं किसी भैया को जानती ही नहीं। फिर मैंने उसको हाँ मतलब इतना मुश्किल से उसका नंबर लेके उसको मनाया, उससे बात करी। मैंने कहा एक बारी उससे मिल लो मेरे बोलने पे। तो वो कह रही है वो मुझे घर लेके जाएंगे, मुझे मना लेंगे, मुझे मारपीट करेंगे। वो डर रही थी आपसे, वो कह रही थी कि मुझे आपके साथ नहीं मिलना, मुझे डर लगता है अपने भाई से, वो मुझे कमरे में बंद कर करके मारता था, मुझे शादी करने से रोकता था। अब गलती हो गई, अब नहीं करूँगा, एक बार मिलवा दो, मैं उसे मना लूँगा। मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। मैं उसे समझाऊँगा कि बहन घर चल, मैं उसे फ्लोर भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, गाड़ी वगैरह सब पैसा है मेरे पास। तो पैसा आज उसके मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आज मैंने उनको यहाँ पे बुला रखा है, वो इसी यहीं पार्क में ही है। अगर मैं उनको यहाँ पे बुलाता हूँ तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ उनसे, कोई आप ज़ोर ज़बरदस्ती मत करना। अपने मन से वो अगर आपके साथ घर चलेंगे तो आप लेके जाना, क्योंकि वो मेरी मेरे मतलब मेरे ट्रस्ट पे यहाँ पे आए। तो उनके साथ आप कोई बदतमीजी मत करना, कोई मारने की धमकियाँ मत देना। नहीं दूंगा, एक बार मिलवा दो, बस एक बार मिलवा। हाँ जोड़ रहा हूँ, एक बार मिलवा दो, आपका बहुत एहसान होगा, मिलवा दो मुझे। गुड़िया आ रही है प्लीज। गुड़िया मेरी बहन, टच मत करो मेरे को। आप बात तो सुन, दूर रहो, दूर रहने दीजिए। एक आप मेरी बात तो सुन, एक बार मेरे बोले बहन, दूर रहो भैया प्लीज यार। मेरी बहन एक बार आप जबरदस्ती, वो चली जाएगी यहाँ से। एक बार दूर यार भैया, एक बात तो सुन बहन मेरी, तू ही तो है बस, और कोई नहीं है। बात सुन मेरी, मेरी बहन से दूर रहिए, बात सुनिए। एक बार आपने इनको कमरे में बंद कर दो, कोई नहीं, कुछ नहीं करेंगे। इनको एक बार ही मिलना था, मैंने बताया ना आपको। प्लीज यार दूर रहो भैया प्लीज, आप दूर रहिए बहन, घर चल रहे हैं। एक बात बताइए, जब आपने कमरे में बंद करके टॉर्चर किया, जब उस समय आप मुझे मारने की धमकी दे रहे थे, तब गलती होगी मुझसे बहन, घर चल घर। भैया मेरा कोई घर नहीं, तुझे है। पता है ना मैं अकेला हूँ, रहने दीजिए, बहुत कुछ है, सब तुम्हें दूंगा, घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, कोई कमी नहीं होने दूंगा। देखिए पैसे का रोब आप तब भी जमाते हो, आज भी जमा रहे हैं, तभी आपका डिवोर्स हुआ, आप प्यार को समझते हैं, सब आपका ही है। एक बार घर चलो, एक बार मेरी बात सुनो। इतना जलील आपने अपनी बहन को करा है, उस वक्त भी मेरे को रोज फोन कर करके, रोज फोन कर करके मुझे बोलती थी कैसे रही है ये, कितना रोती थी ये। मैंने गलती की, पैसे करो आप तब भी मुझे दिखाते थे कि क्या मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। गलती की है मैंने, अब मैं कैसे रहूँ, मैं अपनी बहन के बिना नहीं रह पा रहा। आप मेरी बात समझो, माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है मेरे घर पे, ऐसा नहीं कर सकता। बहन गलती की है, मैंने माफी मांग रहा हूँ, आप रहने दीजिए, पैरों में गिरता हूँ भाई, अरे भैया प्लीज, तुम्हारे भी पैरों में गिरता हूँ, एक बार मुझे माफ कर दो। एक बात तो कहाँ करी बहन, कौन कहाँ से आया, क्यों अरे दूर रहो यार, भगवान का क्यों परेशान कर रहे हैं आप। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आराम से बात करते हैं, आराम से बहन, घर गाड़ी सब कुछ दूंगा बहन, आ जाओ आराम से, आओ आप आराम से बात करते, वो एक बार आपसे मिलना चाहते थे, आ जाओ, कुछ नहीं बोलेंगे वो आपको, आओ आओ, कुछ नहीं बोलेंगे, बैठो बैठो, क्या क्या बात करनी है, बैठो बैठो बैठो, आना बहन मुझसे बात कीजिए आप। मैंने गलती की, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, दोनों घर चलो, दोनों में आपने मुझे मारने की धमकी दी, इसको कमरे बंद करके टॉर्चर करते थे, खुद तो आप प्यार को समझे नहीं, तभी तो आपका डिवोर्स हुआ, खुद आपने इतना पागलपन जमाया इसके ऊपर, मेरे ऊपर, मैंने से सच्चा प्यार किया, ये भी नहीं मैं उसको बेरोजगार था, अच्छा खासा मेरे पास भी जॉब थी, सब कुछ था, मैं तभी से प्यार किया। अपनी गलती मान रहा हूँ, अब नहीं करूँगा, प्लीज मत मानो यार, आप गलती प्यार से रखता था मैंने, नहीं प्लीज आप रहने दो, आपको तब नहीं दिखा 10 दिन पहले मैं कैसे आप मुझे मारते थे इससे ना मिलने के लिए, मैंने आपको बताया कि मैं किसी लड़की से प्यार करती हूँ, आपने 1 मिनट में भी बहन गलती करती, क्या करूँ मैं, क्या करता मैं, तू बता मैं क्या करता, मेरी जगह आके देख लिए भैया, हम खुश हैं, हम मैं सब कुछ इसका है, मैं अकेला हूँ ना, नहीं आप एक बात करो, एक बात करो, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, मैं मेरी वाइफ प्यार से रखूंगा, मुझे और मेरी बुढ़िया तुझे बच्चे की तरह रखा, आप अभी आपकी बहन नहीं है, नहीं हूँ मैं किसी की बहन, मर चुकी हूँ आपके लिए, इतना आपको इसको टॉर्चर किया, कौन सा बहन था इतना बुरा बर्ताव करता है, मैंने गलती की है ना, सही बोल रहा है वो, बिल्कुल इसको कुछ मत बोलो आप, बिल्कुल नहीं, नहीं। गुड़िया मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, गलती एक बार होती है, दो बार होती है, तीसरी बार होती है, उस समय भी तब भी जरूरत है, जब मैं शादी करके आई हूँ तब भी नहीं आए आप, आपको पता है मेरी शादी किसने करवाई है, मुझे नहीं पता, बुआ और मौसी ने करवाई है, उन्होंने भी मना करा था आपके आगे उनका नाम लेने का, क्योंकि पता है ना उनको आपका,
आप वो चीज भी बर्दाश्त नहीं करोगे। अब घर चल, अब नहीं जाना भैया प्लीज यार, कोई नाराज नहीं, मैं तैयार हूं। आप क्या समझोगे प्यार को, क्या समझोगे प्यार को? आपकी शादी टूटी है अभी, अभी डिवोर्स हुआ आपका। अभी थोड़ी देर पहले आप क्या कह रहे थे, मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है ना, सब इसका ही है, सब इसे मैं सब दे दूंगा, बोलते थे बहुत पैसा दूंगा, गोल्ड दूंगा, जो चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, नौकरी करने की भी जरूरत नहीं, इतना है मेरे पास। सूखी रोटी खा लेंगे, जो किस से मिल गया, सूखी रोटी खा लेंगे, आपसे मिला, आपसे बस मुझे सूखी रोटी खा लेंगे। कैसे मारे मैं जानती हूँ भैया, तब आपको नहीं दिखा आपकी बताओ। मैंने बहुत बड़ी गलती, नहीं भैया प्लीज, पैरों में गिरा, इनका डिवोर्स तब भी हुआ है यार, तुम बात करो, एक मौका दे दो मुझे, एक मौका दे दो, एक बार मैं, आप दोनों के पैर, आप छोटे हो, जब भी पैर यार भैया दूर रहो यार प्लीज, पहले तो मुझे दूर होके बात करो, मैंने मारा तुम मुझे मारो, मगर घर चलो, मेरा घर खाली है। अपनी बहन से इतना टॉर्चर करता, मुझे बस ये बताओ, इतना आपने उसको तड़पाया, इतना दर्द दिया, ये बहुत गलत है जो आपने इसके साथ करा। इसने बताया था मेरे बारे में कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार करती हूँ, इसने मिलवाया भी था, तब आपने मेरे को इतनी धमकियाँ दी, मैं तो बस उस समय में कितना प्यार था आपके पास आया। भैया मैं तो आप पे ट्रस्ट करती हूँ, क्या मजबूर थे आप, और क्या आप, क्या आप प्यार को कैसे समझ सकते हैं, जिसने खुद अपनी वाइफ को धोखा दे दिया था, बताओ मारपीट क्यों करते थे अपनी बहन के साथ, ये गलत नहीं है, बताओ भैया मैं जानती हूं, आप उसको मारने की धमकी क्यों देते थे? मैं क्या करता, इस लड़के का मुझे कुछ पता सता नहीं है, इसके परिवार, अब आपको खुशी हो रही होगी, अब तो अब खुशी हो रही होगी, वही लड़के से शादी हो गई, मेरे साथ नहीं शादी हो गई, अब तो आपकी बहन खुद कह रही है कि मेरे लिए मेरा भैया मर गया, घर खाली, खुद कह रही है, सब कुछ खाली पड़ा, खुद कह रही है, ये आपकी गुड़िया कह रही है कि मैं आपके लिए मर गई हूँ। गुड़िया ऐसा मत कह भैया प्लीज, कोई गुड़िया नहीं हूँ मैं, माँ बाप खुशी ना मेरे लिए, माँ बाप इन्होंने, माँ बाप के जाने के बाद कभी छोड़ के, अपने बहन को कौन ऐसे पीटता है, आपने पीटा इनको, ऐसा कौन करता है बताइए, जब मैं मिलने क्या करता ना, तो तुम्हारा परिवार का पता, ना तुम्हारी नौकरी, वो आया था आपके पास, मेरे पास, अरे वो छोड़ो ना, बाहर पड़ोसी आके रोकते थे, मारते थे मुझे तुमसे मिलने के लिए, बताओ पड़ोसी तक मारते थे, पड़ोसी में क्या इज्जत है, गुड़िया में कैसे शादी करवा देता है, ना लड़के का मुझे कुछ पता था, ना कुछ, आया था आपके पास, आप आराम से कह सकते थे, प्यार से बात कर सकते थे, पर आपने तब भी मुझे ऐसी धमकी दी, और इसको और उस दिन मारा, बेल्टों से मारा मुझे, उसे फोन पे उसने बताया था, कह दी मैंने अली ये बात, अब भी मैं क्या करता, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, नहीं कहना चाहता है, बेल्ट वाली बात, बेल्ट से मारा आपने इसको, मैंने गलती की है, मैं आपने बेल्ट से मारा था, अरे भैया मैं बेल्ट से मारा था, नहीं जी बेल्ट से मारा था, आपने मुझे ये बात बताई नहीं, आपको मैंने बोला कि मैंने गलती की है, बहुत पहले गलती है, मैंने बहुत की है, मैं माफी मांग रहा हूँ, बस मेरी बहन मेरे घर चली जाए, सब मेरी बहन के जिस टाइम मुझे भैया की जरूरत थी ना, उस टाइम पे ये साथ रहे मेरे, भैया ने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया, उल्टा मारा है मुझे, 3 दिन तक रोटी भी नहीं दी, जब मैंने बताया ना मेरी लाइफ में ये है, माफी मांग रहा हूँ, दोनों के पैर चूरो, दोनों मुझे मारो, जो मर्जी करो, प्लीज भैया मुझे नहीं जरूरत आपकी, तुम घर चलो, मुझे इसके साथ खुश हूँ, प्लीज भैया घर पड़ा है, तेरे पर गाड़ियां पड़ी है, भैया आप भी सुनो, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने मेरे को धमकी दी, चलता है, चलो मेरे को धमकी दी, इट्स ओके, बट आपने इस पे इतना गंदा बिहेव क्यों करा, इसको क्यों मारा, कौन लड़की को बहन को ऐसे मारता है, ये बता दीजिए बस, मेरे को धमकी दी, ओके मैं क्या करता, इसको क्यों मारा बताऊ, ना तुम्हारे पापा का पता, ना मम्मी का पता, ना तुम्हारी नौकरी, मेरे को पापा का ना पता, तो इसको उससे इसका लेना देना, इसको क्यों मारा, मेरे को ही मार देते उसके बदले, कैसे शादी करवा देता, आपने इसको को मारा, ये मान नहीं रही थी मेरी गलती की ना, ये तू मान नहीं रही थी गुड़िया, मैंने कितनी बार कहा, मैंने कितनी बार कहा बेटा, रहने एक बार मेरी, मैं बस एक शब्द बोलूंगा, नहीं प्लीज भैया एक बार मान जो, गुड़िया मेरी बात सुन, गुड़िया अपनी छोटी गुड़िया के पैर छूरो, आपके पैर पकड़ो, आप मुझे ऐसे मत करो, मुझे मैं कहीं नहीं रह सकता, मेरे पास जो भाई अपनी बहन के साथ इतना टॉर्चर करे, प्लीज इन्हें संभालो, गुड़िया जबरदस्ती मत करो, कह रहे नहीं मर चुका, आपने उसको बेल्टों से मारा है, मैंने गलती की है, मेरे को मार देते हैं, ओके इट्स ओके एब्सोल्युटली ओके, मेरे को मार देते, बट लड़की के साथ, वो बहन के साथ, ये आपने ये बात मुझे बताई भी नहीं, बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं नहीं मैंने नहीं गलती की, माफ कर दो, मेरी बात वो उसकी धर्म पत्नी है, वो ही मना कर रहा है,
एक मौका मेरे को मार देते नहीं भैया, कोई मौका नहीं, माफ कर देता अगर मेरे को मार देता ना भाई, मेरे को मारा है ठीक है, मेरे को रॉड से मारा है तो एक पल के लिए मैं समझता भाई। अब इनको क्या भरोसा है कि कल के दिन इन दोनों को पकड़ के इसको मार दो, दोबारा मार दे, कुछ नहीं मैं नौकर बन के रहूंगा। आपने मेरे साथ ही झूठ बोला, आपने मेरे को ये नहीं बताया कि आपने अपनी बहुत बड़ी गलती की है, सगी बहन को कमरा बंद करके आपने बेल्ट मारा, झोली फैला रहा हूँ, एक हम जा रहे हैं मुझे भाई को क्यों लेकर आए हैं, जिस भाई ने अपनी आप मेरी बात मानोगे, आप तो मान जाओ, ये नहीं मान रही आप तो मान लो वो बच्ची है, आप तो मेरी बात मान लो, रहने मैं पैर पकड़ता हूं आपके, आप अब मैंने लास्ट बार बोल दिया, बच्ची है तो बच्ची को मारोगे भाई से आप, मैं लास्ट बार बोल दिया आप जाइए, एक मौका, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बहुत बड़ी गलती, कुछ नहीं सुनना चाहता इसके अलावा मैं, आप जाइए बस, बहुत हो गया, एक मौका दे दो मुझे, एक मौका, दूर रहो यार, नहीं कुछ नहीं देना आपको मौका यार, एक प्लीज आप बोलो ना, क्या मालिक आप बोलो, आप देख लो भाई साहब क्यों लेकर आए हैं, जिस भाई ने बात करवा दो, बोला था कि आप जबरदस्ती मत करना, प्यार से समझाना, मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार फिर हाथ पकड़ रहे हो उनसे, जबरदस्ती एक बार देख लो हाथ जोड़ो, मैंने बोल दिया नहीं, मैं रहने भी क्या बोला कि मेरा भाई मेरे लिए मर चुका है, बोलेगी वो ऐसे, जब वो माफी मांग रहा है, अपनी बहन को बेल्टों से मारे, वो तो बोलेगी कि मेरा भाई मेरे लिए मर चुका है, और उस वक्त मैं मेरे को कॉल करके बोलते थे, पर उसने ये वाली बात मेरे को तब नहीं बताई कि बेल्ट से मारा है, इसने मुझे बताया कमरा बंद करके आप उसका टॉर्चर करते थे, उस समय मैं गर्म की बात था, मैंने समझा नहीं, आपको शर्म आई जिसका माँ बाप नहीं है, आप भी आप उसको बेल्टों से बंद कर रहे हैं, मार रहे हो, देखो ना मैं विश्वास कैसे कर लूं भाई, देखो मेरा वो गलती की सजा ही दे रहे हैं आपको, वो सजा दे रहे हैं, मैं ऐसे रह नहीं पाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, रहने दीजिए, एक मौका दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, मेरी बात सुन लो, एक मौका दे दो, नहीं नहीं नहीं, प्यार से मैंने बोल दिया ना, नहीं एक बार एक मौका तो दे दो, एक मौका तो सबको मिलता है, आपकी बहन ने खुद कह दिया कि मेरे लिए मेरा भाई मर चुका है, गुड़िया से बोल, मर चुके भैया, मर चुके हैं, और हम दोनों ने शादी, हम दोनों ने मेरे से बात कीजिए, हम दोनों ने अब शादी कर ली है, अब आप जाइए, एक मौका दे दो बहन, गुड़िया गुड़िया मेरी बात सुन, गुड़िया एक मौका, गुड़िया 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 बात सुन मेरी, गुड़िया एक मौका दे, आप तो सुनो गुड़िया, एक बार बात सुन ले, एक मौका दे दे, एक मौका दिलवा दो मुझे, गुड़िया गुड़िया, वो तो मुड़ के भी नहीं देख रहे आप, एक बार बात सुन ले, देख ना अपने भाई को, गुड़िया गुड़िया एक मौका दे दे, तो मुड़ के ही नहीं देख रहे आपको, दे दे मुझे एक बार, मुड़ के देख अपने भाई को, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, चली गई वो गेट से बाहर, हो एक बार बुला दो, एक बार बात करवा दो मेरी, फिर माफी मांग लूंगा, जो कहेंगे वो करूंगा, इतना सब कुछ है, सब ऐसा ही रह जाएगा मेरे पास, चली गई गेट से, किसको बुला रहे हो, घर पे क्या करूंगा, कुछ नहीं है मेरे पास, एक बहन थी उसे भी नहीं, चली गई वो तो, किसको बुला रहे हो, बेल्टों से मारने से पहले सोचते ना आप, गलती कर दी क्या, बेल्टों से क्यों मार रहे अपने भाई, मैं मार रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर दी, चली गई जी, अब आप ऐसे, मैंने आपको बोला था जोर जबरदस्ती मत करना, आपने मेरे साथ भी झूठ बोला, एक मौका दे दे मुझे, कोई नहीं, अब आप वो चली गई, किसको बुला रहे हो आप, चली गई वो, किसको बुला रहे हो आप, चली गई वो, कुछ भी नहीं है, सब कुछ होने के बाद आप मारपीट तो नहीं करते ना, आपने बेल्टों से मारा अपनी बहन को, कैसे बहन आपके, तो अब आप देखो, मैंने आपको, आपने जो मेरे को बोला था मैंने कर लिया, ये भी बोल के चली गई कि भाई मर गया मेरे लिए, एक बार बात करवा दो, ट्राई करूंगा बाद में, बट अभी क्या ही बुलाऊं, वो गुस्से में चले गए, इस टाइम बुलाना उनको ठीक नहीं है, एक मौका दिलवा दो, एक बार बात करवा दो, मैं बात चले गए जी, बुला दो, आप एक बार बुलाया था, एक कोई नहीं, आप अपने आप को संभालो, थोड़ा ट्राई करूंगा मैं, एक बार और मिलवा दो मुझे, कोई नहीं भैया, आप ऐसे हाथ पांव मत जोड़ो यार, मत जोड़ो,